YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूँ भोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आगू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट थर्ड, और इसके अंतर्गत अपना चैप्टर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में अपन पढ़ रहे थे माइकलसन मॉर्ले का प्रयोग, उसके पश्चात माइकलसन मॉर्ले प्रयोग के नकारात्मक परिणाम, उसके पश्चात अपने पढ़ा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और उसके पश्चात आपने पढ़ा इसके प्रभाव लंबाई में संकुचन और काल वृद्धि काल विस्फारण, और आज हम अध्ययन करेंगे वेगों का संयोजन और आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत, आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो जो पोस्टुलेट्स हैं, दो नियम दिए उन्होंने। पहला यह है कि भौतिक विज्ञान के सभी नियम सभी जड़ती निर्देश क्रमों में समरूप होते हैं, यानी ऑल द इंटायर लॉ ऑफ फिजिक्स आर होल्ड गुड इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा जो है प्रकाश का वेग नियत रहता है, ये एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, और निर्वात में इसका मान 3.8 मीटर पर सेकंड होता है, न तो ये प्रेक्षक की गति पर, न प्रकाश स्रोत की गति पर, न प्रकाश संसरण की दिशा पर निर्भर करता है। देखिए आप कि भौतिक विज्ञान के सभी नियम सभी जड़ती निर्देश क्रमों में समरूप होते हैं, ऑल दी फिजिक्स रूल्स आर आइडेंटिकल या होल्ड गुड इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत रहता है, दी वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर, और ये डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट एंड नॉट ऑन द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इट इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट एंड इज वैल्यू इन ए वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश का वेग नियत रहता है, स्रोत तथा प्रेक्षक की गति तथा प्रकाश के संसरण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। अब अपन कहेंगे वेगों का संयोजन वेलोसिटी एडिशन। इसमें ये कहेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो निर्देश फ्रेम है एस और एस डैस। एस डैस फ्रेम एस के सापेक्ष उभयनिष्ठ एक्स अक्ष की दिशा में वी वेग से गतिशील है, इनके उभयनिष्ठ उनके मूल बिंदु समय टी इक्वल टू जीरो पर एक दूसरे के संपर्क में। तो देखिए इसमें अपन ये कहेंगे लॉरेंस उपागत समीकरण से एक्स डेस बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डेस बराबर वाई जेड डेस बराबर जेड, टी डेस बराबर गामा टी माइनस वी एक्स अपन सी स्क्वायर। अपन जानते हैं गामा बराबर क्या होता है, 1/√1 - v² / c². अब अपन इसको अवकलन करते हैं, इसका क्या होगा, dx डैस बराबर गामा dx माइनस v dt, dy डैस बराबर dy, dz डैस बराबर dz, और dt डैस बराबर गामा dt माइनस v² c² dx। तो हमारा एस फ्रेम में कर्ण का वेग u है, इसके x y और z, देखिए इसका हमने अवकलन करके प्राप्त किया, तो कर्ण का वेग u है तो x y और z अक्षों के अनुसार इसके वेग क्या हो गए, ux uy और uz, और एस डैस फ्रेम में वेग u डैस है तो इसके x y और z अक्षों के अनुसार क्या हो जाएंगे, अब अपन देखिए इसमें से सिंपल है, इसमें से 2a मैं 2d का भाग लिया डिवाइड किया, तो गामा dx माइनस वी डी टी और गामा dt माइनस वी dx। देखिए गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से dt कॉमन लिया, dx बाय dt माइनस वी dt 1 - v/c² dx। देखिए और ux माइनस वी 1 - v/c² dx, ux माइनस वी 1 - v/c² dx। अब अपन क्या करेंगे, दो भी दूसरे जो दो भी है उसमें 2d का भाग देंगे, dy dx बटा dt dx बराबर dy गामा dt माइनस वी बटा c स्क्वायर इंटू dx, dy बाय dt बराबर गामा 1 - v/c² इंटू डी एक्स बटा डी टी, तो यू डी एस वाई बराबर यू वाई गामा 1 - v/c² इंटू यू एक्स, तो यू वाई डी एस बराबर यू वाई √1 - v² / c² मिनी स्क्वायर बटा ये सी स्क्वायर ये है और 1 - v/c² इंटू ई एक्स है, ये मैं यू डी एस आई। अब अपन क्या करेंगे, 2c में 2d का भाग देंगे, तो डी जेड एस बटा डी टी डेस बराबर डी जेड अपन गामा डी टी माइनस वी बटा सी स्क्वायर इंटू डी, तो डी जेड बटा डी टी इसमें से अपन dt कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 - v/c² dx/dt, और dt को मैंने ऊपर लिख दिया डायरेक्ट यहाँ, जैसे अपने यहाँ लिखा था dy बाई dt, यहाँ से dt dt कॉमन लिया था ना, तो ये अपने dt dt कैंसिल हो गया था, यहाँ से अपने dt कॉमन लेंगे तो ये dt ऊपर आ गया, ठीक है।
अब ये dz बटा dt गामा 1 माइनस v बटा c स्क्वायर dx बटा dt u z अपॉन गामा 1 माइनस v बटा c स्क्वायर dx तो u z अंडर रूट 1 माइनस v बटा स्क्वायर बटा c स्क्वायर 1 माइनस v बटा c स्क्वायर इनटू dx है। तो अब आप देखिए u डैश x बराबर क्या मिला, u x माइनस v 1 माइनस v बटा c स्क्वायर इनटू dx, u डैश y बराबर क्या आएगा, u y अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर 1 माइनस v बटा c स्क्वायर इनटू dx, u डैश z बराबर क्या होगा, u z अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v बटा c स्क्वायर इनटू dx। ये वेगों का रूपांतरण का समीकरण देखिए, इसको आप आपको समझिए है सिंपल है, अपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने लिख दी, फिर इसका अवकलन कर दिया डी एक्स डैश बराबर गामा डी एक्स माइनस वी डी, डी वाई डैश बराबर डी वाई, डी जेड बराबर डी जेड, डी टी डैश बराबर गामा डी टी माइनस वी प्लस स्क्वायर टू। अब देखिए आप इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो डी एक्स डैश बटा डी डैश बराबर गामा डी एक्स माइनस वी डी टी गामा डी टी माइनस वी प्लस स्क्वायर टू, इस पर डी टी डैश बराबर डी टी गामा का मान हो गया डी पर डी टी माइनस वी डी टी 1 माइनस वी प्लस इसको डी पर डी एक्स माइनस वी 1 माइनस वी प्लस इसको डी एक्स बराबर डी एक्स माइनस वी बटा 1 माइनस वी सी इसको इनटू। अब अपन देखो इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसको डिवाइड किया तो डी वाई डैश डी वाई डैश डी वी टी डैश बराबर डी वाई गामा डी टी माइनस वी प्लस इसको डी एक्स। अब यहाँ से डी टी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी प्लस इसको इनटू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी टी कॉमन ऊपर न्यूमरेटर में ले लिया डी वाई बाई डी टी के रूप में। इसको अपन क्या लिखेंगे u डैश y, ये देखिए आपने क्या लिखा था आपने u डैश y और ये क्या होगा u y, u डैश y बराबर u y गामा बटा c स्क्वायर, इस गामा की वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ऐसे कैसे क्या करेंगे, इसको इसमें से डिवाइड किया तो ये dz गामा dt माइनस u बटा c स्क्वायर dx, dz बटा dt गामा 1 माइनस u बटा c स्क्वायर dx हो जाएगा, तो u z गामा 1 माइनस u बटा c स्क्वायर इनटू dx, तो u z अंडर रूट 1 माइनस u बाय स्क्वायर बटा सी स्क्वायर 1 माइनस वी बटा सी स्क्वायर इनटू यू, तो यू डैश एक्स बराबर यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी बटा सी स्क्वायर इनटू यू एक्स, सी वाई इक्वल टू यू वाई, यू जेड बराबर देखिए आप 1 माइनस वी बटा सी स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, इसमें यू एक्स माइनस वी आया यू वाई आई के साथ ये दावा ग्रुप में अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर आएगा और इसमें ये आएगा। ये अपने वेगों के रूपांतरण समीकरण है। आगे देखिए अब एस फ्रेम में क्या करेंगे, माइनस वी की जगह क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे तो u डैश x प्लस v 1 प्लस v y c स्क्वायर इनटू x, u y डैश बराबर क्या होगा, u y डैश सेम आ जाएगा या प्लस आ जाएगा, या प्लस आ जाएगा। अब इस स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, v बटा c डैश प्लस z 1 तो ये u डैश x बराबर u x माइनस v u डैश y u डैश z बराबर u डैश, ये तो बराबर हो जाएंगे, ये अपना गैलीलियन रूपांतरण तक के आ जाएगा। अब यदि u x बराबर c है तो u डैश x की वैल्यू भी क्या आएगी, देखिए c माइनस v 1 माइनस v बटा c स्क्वायर इनटू c ये c c कट जाएगा, c माइनस v 1 माइनस v बटा c c बराबर c चलता है तो एस एस वेव भी उसी वे से चलेगा। देखिए अपन अपन इसको आप समझिए अपना वेगों का जो संयोजन है कि एक फ्रेम वी वेग से बनी एक्स एक्स की दिशा में गति कर रहा है, तो एस डैश फ्रेम में इनके जो वेग होंगे वो यू डैश एक्स बराबर यू एक्स माइनस वी वन माइनस वी बटा सी स्क्वायर इंटू यू एक्स, यू वाई डैश बराबर क्या होगा, यू वाई अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर वन माइनस वी बटा सी स्क्वायर इंटू यू एक्स होगा, और यू डैश जेड बराबर क्या होगा, यू जेड अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर वन माइनस वी बटा सी स्क्वायर इंटू। ये कि अपन अपन यदि एस फ्रेम निकालना चाहें तो क्या होगा, यू डैश एक्स प्लस वी वन प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यू एक्स होगा, u y बराबर क्या होगा, u डैश y अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर 1 प्लस v बटा c स्क्वायर इनटू y, फिर z बराबर क्या होगा, u डैश z अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर 1 प्लस v बटा c स्क्वायर। अब अपन स्थिति फर्स्ट देखते हैं कि यदि v इज लेस देन लेस देन c या v अपॉन c इज लेस देन लेस देन 1 तो देखिए आप इसको अपन 0 मानेंगे, यहां से इसको 0 मानेंगे तो देखो तो u डैश x बराबर क्या होगा, ux माइनस v होगा, फिर यहाँ से इसको जीरो मानेंगे तो यू डैश वाई बराबर क्या होगा, यू वाई अंडर वन, ये भी वन हो जाएगा ये भी वन हो जाएगा, यू डैश वाई बराबर यू वाई और यू डैश जेड बराबर। अब यदि मान लीजिए एस फ्रेम में वेलोसिटी यू एक्स क्या करता है, एक्स एक्सेलरेशन वेग क्या है, सी है, सी वेग से गति चलता है, एस डैश फ्रेम में क्या होगा, वही सी वेग से चलेगा, कैसे, के सी माइनस वी आ जाएगा, देखिए यू एक्स की जगह सी माइनस वी वन माइनस वी वाई इसको सिस्टम से सी, यू एक्स की जगह पर सी 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 माइनस वी वन माइनस वी बटा सी सी देखिए यहाँ से ऐसे मिल गया सी वाई कट जाएगा सी ऊपर मिल जाएगा, अर्थात एस फ्रेम में विकर्ण क्या करेगा, प्रकाश के वेग से ही
गति करेगा। तो आगे प्रयोजन जो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण है उससे अपन को अवकलन करके निकाला है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है, धन्यवाद।